All right. so, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपने रिवैलुएशन करनी है तो आपने रीवैल्युएशन की डेट पर जो है वो कैरिंग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है सो वी नीड द कैरिंग वैल्यू और द कैरिंग अमाउंट एट रीवैलुएशन डेट जिस डेट पर हम रिवैल्युएशन कर रहे हैं उस डेट की हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए

आप हमें पता है कि वो चला जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जनरली स्पीकिंग अगर हमने कहा कि आपके कैसे एसेट एसे के अगेंस्ट लॉस आया है, जिसको पहले आपने रीवैल्यू किया हुआ था तो पहले आप वो रिवेल्यूशन सरप्लस खत्म करेंगे फिर जो भी बच जाएगा वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा अब एक कॉन्सेप्ट हमने इससे आगे डिस्कस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम में टेस्ट भी होता है वो है ट्रांसफर Of excess depreciation, transfer of excess depreciation. Yeah, is called transfer of excess depreciation from revaluation surplus to the retained earnings. अब मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी समझाई भी है और मैंने आपको बिल्कुल इसको शो भी किया था कि देखें हम जब स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये जो रिवेल्यूएशन है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी के अंदर क्या है वी हैव द शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स एंड रिवैल्युएशन रिजर्व तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पास गेन होते हैं रिवेल्युएशन के ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जाता है क्योंकि अदर इनकम जो है वो अनियलाइज गेन है इसलिए वो प्रॉफिट फॉर द ईयर के नीचे आ रहा होता है मैंने आपसे कहा था जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो तो अर्निंग में चला जाता है क्योंकि ये रियलाइज गेन है यही शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं लेकिन रिवैल्यूएशन पर जो गेन और लॉस आ रहा है ये अनरियलाइज गेन है इसीलिए हम इसके लिए सेपरेट रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको हम रिवैल्युएशन रिजर्व या रिवेल्युएशन सर कहते हैं अब आपने जो भी गेंस किए हैं वो आपने कहा रिकॉर्ड किए हुए वो आपने रिवैल्युएशन सरप्लस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किए हुए इसको यहाँ पे जरा दोबारा से ड्रॉ करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी इसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया वी हैव द शेयर कैपिटल यानी जो शेयर इश्यून से रिलेटेड है रिटेन जोकि हमारे पास अक्यूमलेटेड प्रॉफिट भी कहलाते हैं ये रियलाइज गेंस है हमारे जो रिटेन किए हुए हैं और हमारे पास एक से हमने रिवैल के गेंस के लिए रिकॉर्ड किया हुआ अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे कैपिटल का बैलेंस आ गया ये बैलेंस आ गया ये हमारे पास जो है वो रिवेल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ गया अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिवैल्युएशन सरप्लस रिकॉर्ड हमने किया है, ये अनरियलाइज गेन है और ये तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक हम ये एसेट बेच नहीं देते जब हम एसेट को बेचेंगे तो ये गेन जो है वो क्या होगा ये सब का सब रियलाइज हो जाएगा लेकिन इसमें पॉइंट ये आता है कि जब ये गेन रियलाइज होगा वेन दिस रिवैल्युएशन

वो रिवेल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर हो रहा होगा अब कंपनीज क्या करती हैं कंपनी कहती है यार इस तरह है करते हैं कि देखें हमने तो इस एसेट को थ्रू आउट द लाइफ यूज करना है तो एक काम करते हैं कि इसका जो गेन है ना उसके गेन को भी उसकी रिमेनिंग लाइफ पर स्प्रेड कर देते हैं हर साल एक पोर्शन हम रिवेल्यूएशन सरप्लस से निकालेंगे

और रिटेन अर्निंग के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे अच्छा अभी रिवेलुएशन की जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी वो जरा आप यहाँ पे देख लें uh, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखी हुई है हमने कहा कि भाई हमारे पास यस uh, yes, इधर आ जाते हैं यहां पर हमने एक एग्जाम्पल रिवेल्युएशन की ओके वी हियर हाँ जी बिल्कुल तो मैंने आपसे कहा कि एसेट की कॉस्ट है हंड्रेड थाउजेंड एसेड की लाइफ है फाइव इयर्स और हमने क्या किया उस फर्स्ट जनवरी को खरीदा था फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फाइव पर जाके उसको रीवेल्यू किया जब मैं उसको पहले डेप्रीशियट कर रहा था तो उसकी डेप्रिसिएशन आ रही थी ट्वेंटी थाउजेंड पर एन एम क्योंकि हंड्रेड थाउजेंड को डिवाइड करें फाइव पर तो डेप्रिसिएशन आ रही थी ट्वेंटी थाउजेंड दिस इज ट्वेंटी थाउजेंड ये ट्वेंटी थाउजेंड की डेप्रिसिएशन जो है आपके पास हर साल आ रही थी फिर हमने उसको रिवैल्यू री किया रीवैल्यू करने के बाद वो एक लाख बीस हजार पे चला गया और फिर मैंने आपसे कहा कि अब जो नई डेप्रिसिएशन आएगी वो आपने रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज करनी है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे चार्ज करनी है हमने फर्स्ट जनवरी को टू थाउजेंड थ्री कोसेट खरीदा था और फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फाइव पे रिवैल्यू किया यानी दो साल बाद अब दो साल के बाद जो है वो रिवैल्यू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पे आ गया अब जो इसकी न्यू डेप्रिसिएशन होगी वो होगी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाय डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ विच इज थ्री इयर्स अब जो इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है फोर्टी थाउजेंड अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कॉन्सेप्ट ये है कि या तो आप रिवेल्यूएशन गेन को लें और उसके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड करें चलें चेक करते हैं रिवेल्यूएशन गेन चेक करते हैं

तीन सालों के अंदर हो जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या था? ओल्ड कितनी थाउजेंड वॉज दाइवफुलशन कैसे आई रीवैल्यूड अमाउंट पर चार्ज करनी है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे चार्ज करनी है वो आ गई आपके पास फोर्टी थाउजेंड अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वही नहीं आ रहा वो जो हम gain by useful life कर रहे हैं या ओल्ड और का comparison कर रहे हैं। न्यूसियो so याद रखें कि के के कि बजाय इसके एक पे में करे समटाइम्स चूज के वो एक पोर्शन सिस्टमेटिकली जो है वो रिवेल्यूएशन सरप्लस से निकालेंगे और रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे